अस्सलाम वालेकुम। सदका क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाती थी, फिर अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया और इसे हुक्म दिया कि वह ज़मीन में थामे रखे, चुनांचा वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त है। अल्लाह ने फरमाया, लोहा इससे भी ज़्यादा सख्त है। फिर फरिश्तों ने पूछा, लोहे से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया, आग। फिर फरिश्तों ने पूछा, कोई आग से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया, पानी। फिर फरिश्तों ने पूछा, पानी से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया, हवा। पानी से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है। फिर फरिश्तों ने पूछा, हवा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ बेशक, वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। अर्श का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद में से एक वही है जो दाएं हाथ से सदका देता है तो बाएं हाथ तक को खबर ना होती हो। जान का सदका और माल का सदका, दोनों सदका निकालना चाहिए। जान का सदका निकालने से अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखते हैं और माल का सदका देने से अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका कीजिए।